फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज मैं अपने घर का बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर दिखाऊंगी और ये देख करके तो कोई भी इस प्लांट्स को खरीदे बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं और काफ़ी अच्छे फूल इनके खिलते हैं और इनमें कलर भी 2-3 कलर इनमें आते हैं। तो मेरे पास तो है, ये है मजंटा कलर है और काफ़ी प्यारा लगता है ये जब खिलता है ना, तो बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि कोई गुड़िया है, डॉल ऐसे लगता है। वैसे इसको डांसिंग डॉल भी बोलते हैं और इस प्लांट का नाम है फ्यूसिया और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर देने वाला प्लांट है। बस इनकी केयर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये हमारे लोग के यहाँ काफ़ी गर्मी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पंजाब में रहती हूँ तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ये फ्लावर प्लांट जो होते हैं ये ठंडी जगह के हैं, जैसे उत्तराखंड में आप चले जाओ, हिमाचल वगैरह। मैंने ये प्लांट देहरादून में देखा था, मैं पहले वहाँ पर रहती थी तो वहाँ जो हमारे ओनर थे उनके घर पर मैंने ये प्लांट देखा था, मुझे बहुत सुंदर लगा था। वहाँ ईजी ग्रो ये हो गया था और गर्मियों में काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आते थे। हमारे यहाँ क्या है कि अब मई अप्रैल तो एंड है, मई तक आते आते ये प्लांट्स अगर बचा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको मैं बचा के रखूँ, क्योंकि मैं इस प्लांट का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि इस पर धूप ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि एक दिन इस पर धूप ज़्यादा पड़ गई थी, ये सारे फ्लावर्स अपने आप, एक दो फ्लावर्स मेरे टूट के गिर गए थे। तो ये मतलब कि इसे धूप ज़्यादा पसंद नहीं। वैसे भी ये विंटर में हमारे यहाँ चलता है, मतलब नवंबर वगैरह में ये प्लांट्स मार्केट में मैंने देखा था, तो मैं अब भी लेकर के इसको आई हूँ। मतलब हाँ, एक महीने तो हो गए होंगे इनको आए मेरे घर में भी, तो अभी इनमें कलियाँ काफ़ी सारी आ रही हैं और मैं ये जिस पॉट में लगा था मैं उसको ऐसे ही मैंने इसको छोड़ दिया है, मैंने इसको रिपॉट नहीं किया। मैंने सोचा अगर मैं रिपॉट करूँगी तो हमारे सॉइल कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा प्लांट्स ख़राब हो जाना है। 150 रुपीज़ का ये प्लांट मिलता है, तो ये मतलब कि हमारे यहाँ हमारे लोग के साइड थोड़ा सा ये सर्वाइव मुश्किल से करता है, पर मैं कोशिश करूँगी इसको मैं बचाने की, क्योंकि जब बहुत तेज़ धूप आती है मैं इसको इनडोर रख देती हूँ, फिर सुबह शाम ये बाहर ही प्लांट मेरा पड़ा होता है। और अभी इसमें मैंने ऐसा कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं डाला है, इसकी जो सॉइल मिक्सर है जो उन्होंने बना के जैसे दिया था, ये ऐसे ही प्लांट्स मेरा चल रहा है और काफ़ी अच्छी ये फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इतना प्यारा फ्लावर होता है फ्यूसिया कि इसको लिए बगैर रह नहीं सकते। तो अभी एक दो कलर इसके और हैं, अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, पता नहीं नर्सरी में यहाँ मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। ये हम मंगवाए थे जम्मू से, वहाँ से ये प्लांट्स मेरा आया था फ्यूसिया का। तो और फ्रेंड्स, इसकी कटिंग भी बहुत आराम से लग जाती है, मैंने एक दो कटिंग इसके लिए करके लगा ली है, कि ग्रोथ तो शुरू हो गई है। इनकी एक छोटी सी छोटी कटिंग भी आप यहाँ से लेके लगा, अभी तो ये फ्लावर्स आ रहे हैं, एक छोटी भी कटिंग ले लीजिए तो लग जाती है। बट अभी गर्मी है तो गर्मियों में मुश्किल क्या नहीं लग सकता है। मैंने जब ये लाए थे हम तो एक दो ब्रांच मैंने इधर से कट करके लगाया था, लग तो गया है पर फ्लावर्स अभी इसमें नहीं आ रहे क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, पर ये समझ आ गया कि ये कटिंग से भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर लेता है। और हमारी बॉर्ड है उधर बहुत शोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये थे फ्यूसिया प्लांट, जो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा फ्लावर देने वाला प्लांट है। आप देखिए फ्रेंड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बेल जैसे हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई बड़ी खूबसूरत सी घंटी लटक रही है, बेल एकदम। ये इनकी लीव्स हैं, ये फ्लावर्स हैं अंदर, काफ़ी प्यारा फ्लावर्स प्लांट ही होता है फ्यूसिया का। तो ये मैं अपने घर में लेकर के आई थी, इसमें काफ़ी सारे कलियाँ भी अभी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ये आपको दिखाती हूँ अपने घर का फ्यूसिया प्लांट। और वाटरिंग इनको बहुत ध्यान से करना है, अगर ज़्यादा पानी हम दे देंगे तो फ्लावर्स भी कम आएंगे और फंगस भी जल्दी लग जाएंगे, तो ये इनका ध्यान मुझे बहुत रखना पड़ता है। और भी प्लांट्स हैं, मैं उनका ध्यान रखती हूँ, पर इस समय मैं सबसे ज़्यादा मेरा फोकस इस प्लांट पर है, क्योंकि इसका फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है। तो ये सो ब्यूटीफुल प्लांट है ये, और इनकी लीव्स भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने ये प्लांट्स अपने घर में ऐड किया है, अगर ये सक्सेस हुआ हमारे घर में तो मैं और लेकर के आऊँगी नेक्स्ट ईयर, अभी तो नहीं, अभी गर्मियाँ शुरू हो गई, इनको मैं पहले पाल के देखती हूँ कि ये मेरे घर में टिक पाता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे फ्यूसिया प्लांट की मतलब केयर जानकारी। क्या मैं अभी इसकी ये मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस प्लांट के लिए मेरा नहीं है,
तो मैं अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर जैसे भी मैं केयर करती मैं आपसे शेयर जरूर करूँगी फ्रेंड्स। अभी जो थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में पता था तो वो मैं आपसे मैंने शेयर किया, क्योंकि मैंने ये प्लांट्स देहरादून वगैरह में देखा था, उनके यहाँ काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था। तो पंजाब में देखते हैं, हमारे यहाँ गर्मी काफ़ी हो रही है, तो अगर ये सर्वाइव कर गया तो मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दूँगी फ्रेंड्स, केशा प्लांट का। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, हमारे वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। ओके, बाय 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 फ्रेंड्स।